तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उन तीनों ने ड्रैगन को पकड़ लिया होता है, वही हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो वहाँ पर अपने रियल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो तीनों एल्डरो के बनाए हुए केस को तोड़ देता है, जिसके प्रेशर की वजह से वो तीनों एल्डर भी काफी ज्यादा दूर चले जाते हैं। वही हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और इसके बाद वो आसमान में चला जाता है और इसके बाद वो वहाँ से फायर बॉल को बरसाना स्टार्ट कर देता है। वही हमें इंची को दिखाया जाता है जो कि उसके सारे फायर बॉल से बचता हुआ भाग रहा होता है और वो ड्रैगन के केव के अंदर चला आता है। तो अभी वहाँ पर जैस्मिन भी बाहर आ जाती है। वही हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि इंची पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और वो इंची से कहती है कि मैंने तुमको यहाँ से भागने को बोला था पर तुम ड्रैगन के गुफा के अंदर क्यों चले आए। वही हमें इंची को दिखाया जाता है जो कि खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से उसको कुछ महसूस होने लगता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो आगे जाने लगता है। तो अभी उसकी नजर अपने पोजनस बीट के ऊपर जाती है जो कि काफी ज्यादा जोड़ों के साथ में चमक रहा होता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि जरूर सामने कोई ट्रेजर है और इसके बाद वो खाई को पार करता हुआ उस तरफ जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर एक भूकंप आ जाती है जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, पर वो समय रहते एक चट्टान को पकड़ लेता है और वो बच जाता है। इसके बाद वो ऊपर आ जाता है तो उसको अपने सामने काफी सारे फायर ग्रास दिखते हैं। अब इतने सारे फायर ग्रास को देखकर यूंची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि मैंने इसके बारे में अपने मास्टर के किताब में पढ़ा था पर मैंने कभी भी इसको नहीं देखा था, पर आज मैं काफी ज्यादा लकी हूँ क्योंकि आज मुझको काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर मिल चुका है। और इसके बाद वो उन सभी को अपने पास में रखना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसको महसूस हो जाता है कि जैसे उसके केव के अंदर कोई मौजूद है और इसके बाद वो अपने केव की तरफ देखने लगता है। अब इसका फायदा उठाकर वो तीनों एल्डर उस पर अटैक कर देते हैं। अगले सीन में हमें इंची को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उन सभी ग्रास को अपने पास में रख रहा होता है। तो अभी वहाँ पर जैस्मिन आ जाती है और इसके बाद वो इंची से कहती है कि सच में ये सभी काफी ज्यादा रेयर है और इसके बाद वो इंची से कहती है कि तुमको यहाँ पर जल्दी करना होगा क्योंकि अभी तक ड्रैगन को पता चल गया होगा कि कोई उसके डोम के अंदर घुस चुका है। तभी इंची को वहाँ पर कुछ महसूस होने लगता है जिसकी वजह से इंची काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो साउंड जिस तरफ से आ रहा था इंची उस साइड देखने लगता है तो इंची को अपने सामने एक बॉस दिखाई देता है। अब इस चीज को देखकर यूंची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है और जाकर उस बॉक्स को उठा लेता है और इसके बाद वो उस बॉक्स को खोल देता है। वहीं उसके ऐसा करते ही उसके अंदर से एक फायर बॉल बाहर आती है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि उस फायर बॉल को पकड़ने जाता है। वहीं हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि यूंची को ऐसा करने से मना करती है पर यूंची उसको पकड़ लेता है जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा पावर निकलने लगती है और वो पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो गुफा के बाहर भी निकलने लगती है। अब इस चीज को देखकर ड्रैगन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे चाइल्ड को हाथ लगाने की, और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रोर करना स्टार्ट कर देता है और वो काफी ज्यादा तेजी के साथ में अपने गुफा की ओर जाने लगता है, जो देखकर वो तीनों एल्डर अपने पावर का यूज करते हैं और वो उस ड्रैगन को पकड़ लेते हैं और वो उसको उस तरफ नहीं जाने देते। अब इसकी वजह से ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो उनसे कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे पकड़ सकते हो, और इसके बाद वो उन सभी से कहता है कि चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कि मेरी असली पावर क्या है, और इसके बाद वो वहाँ पर अपने रियल पावर को एक्टिवेट कर लेता है। अब उसके पावर को देखकर वो तीनों एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं पर वो तीनों हार नहीं मानते और इसके बाद वो तीनों अपने अपने पावर को मर्ज करके वहाँ पर किसी टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं। पर हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि उनको ऐसा नहीं करने देता और इसके बाद वो अपने फायर का यूज करके उन पर अटैक कर देता है और ड्रैगन की फायर पावर इतनी ज्यादा होती है कि पूरा जंगल झुलस जाता है। वहीं हमें उन तीनों एल्डरों को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं पर उसकी पावर काफी ज्यादा होती है और वो उसके अटैक को नहीं रोक पाते और वो काफी ज्यादा तेजी के साथ में नीचे गिर जाते हैं। वहीं हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत है, इस ड्रैगन की पावर काफी ज्यादा है, और इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। पर हमें उस ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि उन तीनों को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है और वो अपने फायर का यूज करके उन पर अटैक खड़ा होता है, पर वो तीनों अपने कोऑर्डिनेशन की वजह से उसके अटैक से बच रहे होते हैं, पर ड्रैगन किसी न किसी को पकड़ कर सूद दे रहा होता है। वहीं में एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को जल्दी करने को बोलता है और यहाँ से भागने को बोलता है, जो सुनकर एक एल्डर कहता है कि पर हम यहाँ पर अपने यंग मास्टर के लिए कोर को लेने के लिए आए थे। इस पर एक एल्डर कहता है कि अभी हमें अपने जान को बचाना चाहिए, जो सुनकर वो एल्डर भी मान जाता है और इसके बाद वो तीनों एल्डर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हमें उस ड्रैगन को दिखाया जाता
जाता है जो कि अपने गुफा के अंदर आ चुका होता है। वहीं में इंचू को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर वो ड्रैगन अपने क्लो का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। पर में इंचू को दिखाया जाता है जो कि समय रहते उसके अटैक से बच जाता है। वहीं में जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि आखिरकार इसको पता चली गया। वहीं में ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि यूंची के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो यूंची से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केव के अंदर घुसने की, और इसके बाद वो उससे कहता है कि आखिर तुमने मेरे बच्चे को क्यों चुराया। वहीं में यूंची को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन को देखकर थोड़ा सा भी नहीं डर रहा होता है। वहीं में ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि उसको जल्दी करने को बोलता है और कहता है कि तुम मेरे ट्रेजर को मुझे वापस कर दो नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। पर में यूंची को दिखाया जाता है जो कि उसको शांत हो जाने को बोलता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम जिसको अपना बोल रहे हो वो असल में मेरा है। अब इस बात को सुनकर वो ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर इसके बाद वो यूंची से कहता है कि मैंने अपने पूरे जिंदगी में ऐसा चुटकुला पहली बार सुना है। वहीं में यूंची को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसको ट्रेजर देने को तैयार नहीं होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो उसे कहता है कि ठीक है तो फिर तुम नर्क के आग में जलो। और इसके बाद वो अपने फायर कैनन का यूज करके उस पर अटैक कर देता है और ड्रैगन की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर चारों तरफ आग फैल जाती है। पर हमें दिखाया जाता है कि यूंची को कुछ भी नहीं हुआ होता है क्योंकि जैस्मिन ने अपने पावर का यूज करके यूंची को बचा लिया होता है। वहीं में ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि उसके पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि जरूर यहां पर कुछ गड़बड़ है। और जब वो उसके पावर को मेजर करता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं में जैस्मिन को दिखाया जाता है और वो भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो वहां आसपास के सारे पत्थरों को उठा रही होती है। वहीं में ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। वहीं में यूंची को दिखाया जाता है जो कि जैस्मिन को ऐसा करता हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो जैस्मिन को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी पावर ड्रेन हो जाएगी। वहीं में ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि भागते भागते अचानक से रुक जाता है और इसके बाद वो पीछे आने लगता है और इसके बाद वो जैस्मिन से कहता है कि मैं तो एक टाइम के लिए काफी ज्यादा डर गया था। और इसके बाद वो कहता है कि इतनी छोटी बच्ची आखिर कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। वहीं में जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। वहीं में ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि जैस्मिन से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझको काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है और इसके बाद वो अपने फायर कैनन का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। पर में जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके उसके अटैक को रोक देती है, साथ ही वो वहां पर अपने किलिंग इंटेंट को भी रिलीज करती है जिसकी वजह से वो ड्रैगन काफी ज्यादा डर जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि इसकी पावर रियल है और इसके बाद वो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है और वो इतना ज्यादा डर गया होता है कि उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। पर वो हार नहीं मानता और दोबारा से खड़ा हो जाता है और वहां से भागना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर जैस्मिन उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बचकर भागने की। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक कर देती है और हमें उसके पावर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा होता है और वो ड्रैगन भी उसके पावर से नहीं बच पाता और उसकी पावर काफी ज्यादा दूर चली जाती है। वहीं में उन तीनों एल्डरों को भी दिखाया जाता है जो कि जैस्मिन के पावर को नोटिस कर लेते हैं। वहीं में ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि जैस्मिन के एक ही अटैक में मारा जा चुका होता है। पर हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर के यूज करने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और वो वहां पर नीचे गिरने लगती है, जो देखकर यूंची काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और इसके बाद वो जैस्मिन को कैच कर लेता है। वहीं हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है और इसके बाद वो यूंची से कहती है कि आज मैं तुम्हारी वजह से मरने वाली हूं और इसके बाद वो यूंची से कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती हूं। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि जैस्मिन को टेंशन लेने से मना करता है और कहता है कि क्या तुम भूल चुकी हो कि मैं एक हेवेनली डॉक्टर हूं। वहीं हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि यूंची से कहती है कि प्लीज तुम मुझे बचा लो, मुझे अभी अपने मदर और ब्रदर का बदला लेना है। वहीं हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि वहां पर अनकॉन्शियस होने लगता है। पर हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जैस्मिन को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर धीरे धीरे करके जैस्मिन वहां पर बेहोश हो जाती है। अब इसकी वजह से यूंची काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वह कहने लगता है कि ये सारी चीजें मेरी वजह से हुई है, पर उसको पता था कि उसके खून में कुछ अजीब है। और इसके बाद वह अपने पास से नाइफ को निकालता है और इसके बाद वह अपने हाथ को काट लेता है और इसके बाद वह कहने लगता है कि जब तक तुम होश में नहीं आओगी तब तक मैं तुमको अपना खून पिलाते रहूंगा। और इसके बाद वह जैस्मिन के मुंह पर अपना खून डालना स्टार्ट कर देता है। पर हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि बेहोश हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो खून उसके मुंह में नहीं जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और इसके बाद वो अपने खून को अपने मुंह में भर लेता है और इसके बाद वो लिप टू लिप उसके मुंह में खून को डालने लगता है और ये प्रोसेस काफी ज्यादा लंबी चलती है। और हमें यूंची को दिखाया जाता है
है जिसने अपने शरीर पर काफी ज्यादा कट लगा लिया होता है और उसने अपने काफी सारे खून को जैस्मिन को पिला दिया होता है। अब इसकी वजह से यूंची को चक्कर आने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी बेहोश होती है, पर अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर मैं कैसे बच गई। तो अभी उसको अपने सामने यूंची दिखाई देता है जो कि बेहोश पड़ा होता है। अब इस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो कहने लगती है कि क्या यूंची ने मुझे बचाया है, और इसके बाद वो यूंची को आवाज देने लगती है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके अपने आंखों को खोल रहा होता है। तो अभी उसको अपने सामने जैस्मिन दिखाई देती है। अब जैस्मिन को सही देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो जैस्मिन से पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। वहीं हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा शर्माने लगती है और इसके बाद वो यूंची से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया, और इसके बाद वो उसे कहती है कि अगर मैं मर जाती तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होता। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि आखिर मैं तुमको मरने कैसे दे सकता हूँ, तुम एक एंजल की जैसे दिखती हो, आखिर मैं तुमको मरने कैसे दे सकता हूँ। वहीं हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या सच में मैं एक फेरी जैसी दिखाई देती हूँ। यूंची उससे कहता है कि हाँ तुम एक फेरी जैसी दिखाई देती हो। इस पर जैस्मिन उससे कहती है कि तुम गलत हो, मैं फेरी नहीं हूँ बल्कि मैंने काफी सारे लोगों को मारा है। इस पर यूंची कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, वो समय की मांग होगी। इस पर जैस्मिन उससे कहती है कि नहीं तुम नहीं समझ सकते हो। इस पर यूंची कहता है कि नहीं मैं भी यह समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसा कुछ किया था। और इसके बाद वो अपने पुराने टाइम में चला जाता है और वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आखिर ऐसा करने में कैसा लगता है। वहीं हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि यूंची के बातों को सुनकर वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है। इस पर यूंची भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो जैस्मिन के आंसू को पोंछने लगता है और इसके बाद वो जैस्मिन से कहता है कि मैं तुमको तुम्हारे रिवेंज लेने में मदद करूंगा और मुझसे जितना हो सके मैं उतनी तुम्हारी मदद करूंगा। अगले सीन में हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि यूंची को उस बीट को निकालने को बोलती है, जो सुनकर यूंची उस बीट को बाहर निकाल लेता है। वहीं हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि यूंची को बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि यह क्या है। यूंची कहता है कि नहीं मुझे इसके बारे में पता नहीं है। इस पर जैस्मिन उसको बताती है कि जब इविल गॉड मरने वाला था तो उसने मरने से पहले अपने पावर को 5 भाग में बांट दिया और उसने अपने पांचों पावर को किसी न किसी जगह पर बीट के रूप में छुपा दिया और ये इविल गॉड के पावरों में से एक पावर का बीट है। और इसके बाद वो यूंची को बताती है कि अगर तुम इसको अपने शरीर के अंदर सोख लेते हो तो तुम्हारे पास में फायर की पावर आ जाएगी, जो सुनकर यूंची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि यूंची को जल्दी करने को बोलती है और कहती है कि जल्दी से तुम इसको खा जाओ। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि इसको खाने के लिए काफी ज्यादा नौटंकी कर रहा होता है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसकी पूरी शरीर जल जाएगी। पर हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो उसको जबरदस्ती खिला देती है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि इस बीट को खाने के बाद वहां पर बैठ जाता है और उसको अपने शरीर में काफी ज्यादा अग्नि महसूस होने लगती है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसकी शरीर जरने वाली है और वो वहां पर काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और उसके शरीर से काफी ज्यादा पावर निकल रही होती है। वहीं हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो कहने लगती है कि सच में इविल गॉड की पावर काफी ज्यादा है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। अगले सीन में हमें यूंची के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें उसके वेंस को दिखाया जाता है जो कि इविल गॉड के पावर को सक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी फायर की पावर होती है वो सभी यूंची के अंदर जा रही होती है और इसकी वजह से यूंची को फायर की पावर मिल रही होती है। अगले सीन में हमें यूंची के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें उसके वेंस को दिखाया जाता है जो कि इन सभी फायर पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है और इसके बाद वो अपने उंगली पर फायर को जनरेट कर लेता है और इसके बाद वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर मैच में कामयाब हो गया। अगले सीन में हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि यूंची को कांग्रेस करती है और इसके बाद वो यूंची को अपने शैडो ब्रोकन टेक्निक को दोबारा से परफॉर्म करने को बोलती है, जो सुनकर यूंची अपने शैडो ब्रोकन टेक्निक को दोबारा से परफॉर्म करता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और वो काफी आसानी से उस खाई को पार कर जाता है जिसको पार करने में उसको पहली बार काफी ज्यादा दिक्कत हुई होती है। और इसके बाद वो अपने पास से एक टोकन को निकालता है और इसके बाद वो अपने दादाजी और चाची को याद करता है और इसके बाद वो कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी आपको बचाने के लिए वापस आऊंगा। वहीं हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि यूंची से कहती है कि तुम उस ड्रैगन के बॉडी को अपने पास में रख लो क्योंकि वो तुम्हारी काफी ज्यादा काम आएगी। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने शैडो ब्रोकन टेक्निक को यूज करके वहां से जा रहा होता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसके काफी सारे डबल गैंगर बन चुके होते हैं। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ा होता है और वो एक क्लिफ के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। तो अभी वहां पर जैस्मिन भी बाहर आ जाती है। वहीं
भैया में जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि उंची से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में जितना सोचा था तुम उससे काफी ज्यादा अच्छे हो और तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा अच्छे से बढ़ रही है। इसके बाद जैस्मिन उससे कहती है कि मैं तुमको पहले ही वॉर्न करना चाहती हूँ कि तुम्हारी पावर जितनी है तुम उतने ही लेवल के बंदों के साथ में फाइट करना और तुम अपने से ऊपर वाले लेवल के बंदों के साथ में फाइट नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे साथ में क्या हो जाएगा मुझे भी पता नहीं है और मैं तुमको विश्वास दिलाती हूँ कि अब की बार मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आऊंगी। वहीं हमें इंची को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर को निश्चिंत रहने से बोलता है और कहता है कि मैं आपके बातों को याद रखूंगा। वहीं हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उंची से कहती है कि अब तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है तो अब तुमको इंसानों की बस्ती में जाना चाहिए। इस पर उंची कहता है कि ठीक है मैं अब इंसानों की बस्ती में जाऊंगा। वहीं हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक क्लिफ के ऊपर खड़े होते हैं और उनके सामने एक सिटी होती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।